हेलो सिविल इंजीनियर्स आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के करियर्स की और हम देखने वाले हैं योर पाथ टू सक्सेस हम देखेंगे कि कौन सी कौन सी ऐसी जॉब पोस्ट है जहां पर सिविल इंजीनियर अपना करियर बना सकता है और उसमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है सबसे पहले मैं बात करूंगा साइट इंजीनियर की साइट इंजीनियर की यहाँ पर आप लोग स्किल्स दिखाई दे रही चार जो आपको आनी ही चाहिए सबसे पहले लेआउट एंड ग्रेडिंग दूसरी मटेरियल मेथड आपको पता होना चाहिए मटेरियल्स कौन से उसकी मेथड्स कौन सी है वो काम करवाने की अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टेक्निक्स उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए आपको लगा होगा सर ये स्किल तो जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए नहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल जो होती है वो ये होती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपके अंडर में भी बहुत सारे लोग होंगे उन्हें भी आपको मैनेज करना है और वो भी उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान ज़रूर दे रहे होंगे उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपको बहुत सारे लोगों से डील करनी है आपके अंडर एक टीम रहेगी आपके ऊपर एक टीम रहेगी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो अलग अलग वेंडर्स होंगे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे तो इनसे भी डील करनी होती है इसलिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए अगली है बीबीएस इंजीनियर बार बेंडिंग स्कड्यूल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर ड्राइंग एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए क्योंकि देखिए ड्राइंग देख के ही बीबीएस कैलकुलेट करोगे आप उसके बाद बार बेंडिंग स्कैड्यूल डिटेल प्लान एंड बेंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स आपको पता होनी चाहिए कि कैसी प्लानिंग होने वाली है हमारे रेनफोर्समेंट की क्योंकि आपके पास ड्राइंग आई है आपको रीड आउट करना है और अगर उसमें किसी तरह की गलती है तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोई डिटेल मिसिंग है तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करेंगे उसे बताएंगे कि सर यहाँ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत है और फिर वो रिवाइज होकर वापस आएगा ऑप्टिमाइज मटेरियल यूसेज आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बीबीएस की ड्राइंग आपके पास है उससे आपको मटेरियल कैलकुलेट करके आना चाहिए और उसका यूसेज कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए इंश्योर एक्यूरेसी एक्यूरेसी आपको उसकी को कंफर्म करना होगा क्योंकि देखिए सबसे महंगा मटेरियल स्किल वेस्टेज हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान भी है अगला है एमएस एक्सएल प्रोफिशेंसी अभी मैनुअल का जमाना गया एक्सेल में प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं एक्सेल में बीबीएस सॉल्व होता है तो आपको एक्सेल भी आना चाहिए अगली जॉब पोस्ट के की तरफ देखते हैं जो कि है एक एस्टिमेशन इंजीनियर तीन चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहला है प्रोजेक्ट स्कोप प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए उसके स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए कॉस्ट एस्टिमेशन आपको मटेरियल कैलकुलेट करते आना चाहिए लेबर्स इक्विपमेंट ये सारे की कॉस्ट आपको निकालती आनी चाहिए बजट बनाने आना चाहिए आपको मैनेज करना है आपको पूरा प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस और उसका कॉस्ट कंट्रोल करना है ये एज ए इस्टीमेशन इंजीनियर आपको आना चाहिए अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं और वो है क्वांटिटी सर्वेयर यहाँ पर कॉस्ट एनालिसिस, बजट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज ये सारे चीज़ें आपको आनी ही चाहिए अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी चीज़ें हमें सीखनी है तो हम कहाँ से सीखें करियर में जाने के लिए आपने तो बता दिया कि ये सारे पार्ट्स हैं लेकिन इतनी सारी स्किल्स हम सीखे कहां से क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहां पर अलग अलग स्किल्स अवेलेबल है सर्वे की, की कहीं पर है है की कहीं क्वांटिटी सर्वेयर जियो टेक्निकल इंजीनियर की कहीं है स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, की कहीं है तो एक कोई ऐसी जगह हो जहां पर सिविल इंजीनियर ये सारी प्रॉब्लम का कर ले तो गुरु जी पिछले कई सालों से एक ही काम कर रहा है कि सिविल इंजीनियर को सही प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है तो आगे चलते हैं और समझते हैं अगली पोस्ट जो कि है स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पोस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस आना पड़ेगा एकदम डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन आना पड़ेगा कोड कंप्लायंस आना होगा और कंस्ट्रक्शन ओवर आपको पता होने चाहिए तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर अगली चीज समझते हैं जो कि है जियो टेक्निकल इंजीनियर की क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि कोर्स भी है पर्टिकुलर जियो इंजीनियर का तो यह भी एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है जहां पर सॉयल मैकेनिक्स के बारे में आपको आना चाहिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग आपको पता होनी चाहिए जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आपको पता होने चाहिए सॉफ्टवेयर की प्रोफेशनसी आपको पता होनी चाहिए तो ये सारी स्किल्स आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं जियो इंजीनियर और अपना करियर इसके में आगे बढ़ाना चाहते हैं आगे चलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर एक पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज करता है पूरे प्रोजेक्ट को उसमें जितने वेंडर्स हैं उनको मैनेज करता है उसमें जितने इंजीनियर्स हैं उन, उनको मैनेज करता है उसमें जितने सुपरवाइजर है लेबर है मतलब कि ये पूरी कंस्ट्रक्शन साइट के पापा है ठीक है तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है तो प्रोजेक्ट मैनेजर की स्किल्स क्या होनी चाहिए सबसे पहले प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग आनी चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि अभी ये काम चल रहा है तो अगले वेंडर को कौन सा काम देना है है ना यहां पर अभी ये काम चल रहा है तो अगला काम कितने दिनों में होगा तो उसके लिए मैं कौन से वेंडर को बुलाऊं कौन सी मशीन्स अवेलेबल करवानी पड़ेगी मुझे और वो वेंडर कौन सा होगा तो ये पूरी स्केड्यूलिंग का जो काम होता है वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का उसके बाद इतनी बड़ी टीम मैनेज करनी है मैंने आपको बताया कि सिविल इंजीनियर्स की टीम है वेंडर्स की टीम है सुपरवाइजर्स की टीम है है ना तो ये काम उसके बाद बजटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशंस रिसोर्स मैंने आपको बता दिए मशीनरी हो गई मटेरियल अवेबिलिटी हो गई ये सारी चीज़ें और उसी के साथ साथ बजट भी बनाना है लास्ट में है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन क्यों क्योंकि अलग वेंडर्स है जब मैं वेंडर्स की बात कर रहा हूं मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर्स बोल रहा हूं ठीक है कॉन्ट्रैक्टर्स है इतने सारे ठीक है उसी के साथ साथ अलग अलग इंजीनियर्स हैं तो इनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ये स्किल आप में होनी चाहिए अगली कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजों की नीड पड़ेगी और आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते तो वहां पर कोलैबोरेट करके उनकी एक्सपर्टीज को अपने पास लाना होता है तो ये स्किल्स भी आपको आनी चाहिए और ये सारी चीजें अवेलेबल है ये सारी चीजें अवेलेबल है यह सारा स्किल सेट आपको मिल जाएगा कॉल करना है नाइन पर और मैं याद दिला दो आपको लास्ट वन डे लेफ्ट है उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा ठीक है तो ये था हमारा वीडियो जहां पर हमने अलग अलग करियर पाथ्स के बारे में समझा एक सिविल इंजीनियर के और भी ऐसे टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और जाते जाते आप सभी के साथ कहना चाहता हूं कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ